आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ स्किन्स रदर देन दीज कवर्स. तो केप्स इंडिया सेंड मी दीज स्किन्स फॉर आईफोन 12 मिनी एंड माई मैकबुक प्रो M1 एंड दीज स्किन्स आर फेंटास्टिक. मतलब अगर आपने स्क्रैचेस से बचाने अपने लैपटॉप स्मार्टफोन्स कैमराज कंसोल्स टेबलेट्स तो यू कैन गो फॉर इट. क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से केप्स इंडिया के स्किन्स यूज़ कर रहा हूँ एंड दीज आर फेंटास्टिक. स्किन्स किसी को पता नहीं है तो स्किन्स आर जस्ट स्टिकर्स जो आपके फोन स्मार्टफोन्स वगैरह को स्क्रैचेस वगैरह से बचाते हैं. तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, वहाँ पे आप जाके अपना मॉडल नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, अपने लैपटॉप्स का मॉडल नंबर, अपने स्मार्टफोन्स का, अपने डिवाइस किसी भी डिवाइस का, ठीक है, किसी भी इन द सेंस जो उनके साइट पे अवेलेबल होंगे. बहुत सारी वैरायटी है तो आप वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो और ख़रीद सकते हो. और स्पेशली क्रिएटर शेड के सब्सक्राइबर्स के लिए आपने कूपन कोड डालना है क्रिएटर शेड CREATORSHED और 10% ऑफ हो जाएगा आपकी टोटल परचेजिंग पे. सो गो अहेड. हाँ जी, तो आई बॉट माय मैविक मिनी बैक. व्हाई हिज बैक ही गाइस वांट यू बैक विद अनदर वीडियो. तो आज की स्टूडियो में बता रहा हूँ कि मैंने मैविक मिनी क्यों खरीदा और इन द फर्स्ट प्लेस क्यों बेचा था. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला सीन ऐसा था कि मेरा प्लान था दुबई जाने का, बट वो डिले होते 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 कैंसिल ही हो गया प्रोग्राम. और मैंने लेना था मैविक 2S जो कि दुबई में आई थिंक 1 लाख रुपए के करीब मिलता है. और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था उस चीज़ को लेने की. और इन द फर्स्ट प्लेस मैंने मैविक मिनी इसलिए खरीदा था कि मैं इनका एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, देख भी लूँगा कि किस तरह से वर्किंग होती है, और उसके बाद थोड़ा अच्छा वाला ड्रोन 4K जिसमें रिकॉर्डिंग होती हो, सारे लिस्टम पस्टम होते हो. तो मैविक 2 प्रो पहले सोचता था कि मैविक 2 प्रो लूँगा, बट जब से मैविक 2S आया था तब से मेरा ये था कि सस्ते में, मतलब एज़ कम्पेयर टू मैविक 2 प्रो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल रही है. तो दैट्स वाई मेरा ये मन माना था. फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ पे चेक करते हैं कि कहीं पर तो मिल रहा होगा अच्छे रेट पे. बट जो मैविक 2S था वो मिल रहा था अराउंड 170-180 के, पूरी किट जो फुल किट होती है. और अगर स्टैंड लोन ड्रोन आपने लेना है तब भी 150 के करीब मिलता था. तो भाई इतना तो था नहीं, ठीक है, सीधी सी बात है. 50-60 हज़ार रुपये 70 हज़ार रुपये ऊपर नहीं दे सकता था मैं. फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, छोटे वाला ड्रोन से काम चलाने का के लिए मैविक मिनी 2 खरीदते हैं. जब उसके प्राइसेस देखे मैंने ऑनलाइन तो 80,000 रुपीज़ की किट अमेज़ॉन पे मिल रही थी मैविक मिनी 2 की, और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे भी, जहाँ पे भी इंडियन वेबसाइट पे जा रहा था मैं, उससे कम कहीं पर नहीं मिल रहा था. मैंने कहा यार मिनी ड्रोन के लिए जिसमें रिस्ट्रिक्शन है 15 मीटर वाली, उसके लिए मैं क्यों खर्चूँ इतने पैसे. तो आई रिसेंटली गॉट इन टच विद अ फ्रेंड जिसने अपना ड्रोन बेचना था मैविक मिनी पुराने वाला. मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो में वैरायटी देने के लिए, क्योंकि मैं दो तीन ट्रिप्स मारे थे मैंने जिसमें एक हाइकिंग फिल्म भी बनानी चाहिए थी मैंने, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया ड्रोन को. तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है रिस्ट्रिक्शन के साथ रह लेंगे. अभी भी इसमें वो 15 मीटर वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं हटी है. शुरू शुरू में थोड़े एक आधा हैक लगाया था मैंने इसमें, बट स्टिल जब मैं इसको एक्चुअल फील्ड पे टेस्ट करने गया, मतलब अगर घर के अंदर कर रहे थे तो घर के अंदर तो उसमें बता रहा था, शो कर रहा था कि 15 मीटर से ऊपर है. मैंने शायद इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, बट जब मैंने एक्चुअल फील्ड में उसको चलाया तो 15 मीटर में रिस्ट्रिक्ट हो गया था और उससे ऊपर नहीं उड़ रहा था. तीसरी बात थी प्राइस. अब प्राइस मुझे ये बहुत अच्छे प्राइस में मिला हुआ है, मतलब अराउंड 25,000 रुपीज़ का मिला है मुझे वापस. सेकेंड हैंड है, आई नो कि इसका जो प्राइस था वो 29,000 रुपीज़ था, बट स्टिल अगर आपको 29,000 में भी सेकेंड हैंड मिलता है तो स्टिल इट इज़ अ बेटर डील मेरे मानने में, ठीक है. मैंने अपना ड्रोन जो बेचा था वो बेचा था अराउंड 25K का, ठीक है, जिसमें मैंने मेमोरी कार्ड भी दिया था और सारा जो भी मेरे पास था उसके साथ वो मैंने सब कुछ दे दिया था. बट इस ड्रोन के साथ मुझे 25,000 रुपीज़ में, एक तो इसकी लेंस कैप उन्होंने गुम कर दी थी तो वो चीज़ नहीं मिली, और ना ही मेमोरी कार्ड मिला तो मुझे अलग से वो लेना पड़ा. इस बार मैंने 256 GB का मेमोरी कार्ड लिया था, बट इसमें मैं 128 GB यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें 4K है नहीं, तो फिर इतना बड़ा मेमोरी कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. वो मैं अपने Insta360 में यूज़ करूँगा 256 GB वाला, इसी लिया था. तो 3,000 रुपये का वो खर्चा हो गया, और उसके बाद जिसका जो लेंस होल्डर वो मैंने मंगवाया हुआ है वो 1,000 रुपीज़ का है.
तो कहने का मतलब है कि मेरा जो टोटल बना वो 29,000 रुपीज़ ही बना, बट स्टिल ये अंडर 30 के, इससे अच्छा ड्रोन नहीं है भाई। ठीक है, आप मिनी 2 लो या मैविक मिनी लो, आपको 30-35 हज़ार रुपये के बजट में इससे अच्छा ड्रोन कोई भी कंपनी नहीं देती है इस वक्त। एक और रीज़न था कि ईज़ ऑफ यूज़, तो मुझे, मैंने जब इसको पहले ही यूज़ किया था तो आसानी से सारा कुछ हो रहा था। ठीक है, अगर नॉर्मल डे हो, कोई हवा वगैरह ज़्यादा नहीं चली हो, तो बहुत ज़्यादा ईजीली तरीके से ये चलता है। 2-3 बार क्रैश हुआ था वो। कई बार यू लूज़ कंट्रोल अगर आप इसको काफ़ी दूर तक भेज देते हो, तो इसमें ये कॉशन रखनी पड़ती है कि आप लाइन ऑफ साइट में ही रखो इसको, ड्रोन को, तभी आपका सही चलेगा, नहीं तो नहीं। आप अगर आप सोच रहे हो कि इससे आप फैंटम वाली क्वालिटी ले सकोगे, या मैविक 2 प्रो वाली ले सकोगे, या मैविक एयर 2S वाली ले सकोगे, तो नहीं भैया, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। ये सिर्फ उस उन थोड़े बहुत शॉट्स के लिए हैं जो आपकी वीडियो को थोड़ा सा स्टैंड लोन करती है, जो काफ़ी एक अलग से, मतलब एक टेक्सचर देती है अगर आपने अपनी वीडियोस में ड्रोन शॉट्स दिखाने ही हैं। रिसेंटली आई वेंट टू चंद्रशिला, उत्तराखंड में एक जगह है, एंड बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है, मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो आई फ्लू देयर और भाई मज़ा आ गया। एक बार क्रैश किया मैंने, क्योंकि उसमें जो अप और डाउन वाला कंट्रोल था वो मेरा कनेक्शन लूज़ हो गया था। कनेक्शन भी क्या लूज़ हो गया था, इधर उधर चल रहा था, बट आई डोंट नो कि ऊपर नीचे का क्या था। हाँ, ये ज़रूर बता रहा था उसमें कि बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे, आई थिंक 10,000 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पे मैं गया था, तो बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे था, इस वजह से जो जो उसका अप डाउन वाला कंट्रोल है वो खो गया था। तो ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। बाकी मैं इसके साथ ज़्यादा रिस्क ना पहले लिए थे मैंने, ना अभी लेता हूँ। मैं इसको ज़्यादा दूर तक भी नहीं भेजता हूँ, और अगर ऐसी कोई स्टीप पहाड़ी है, या मतलब जहाँ से आप रिकवर नहीं कर सकते अपना ड्रोन, तो वहाँ पे नहीं भेज सकते। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है इसके साथ, बट स्टिल वट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम 30,000 रुपीज़ ड्रोन। बाकी आई वुड से इफ़ यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन मिनी 2 इवन एट 40,000 रुपीज़ प्राइस, गो फॉर इट। ठीक है जी, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ये सस्ता ड्रोन नहीं मिलेगा इंडिया में। आपको, अगर आप US में जा रहे हो, या सिंगापुर जा रहे हो, या फिर दुबई जा रहे हो, तो आपको वहीं पर ये ड्रोन जो है वो सस्ता मिलेगा। बाकी आई डोंट थिंक कि इंडिया में किसी भी जगह पे आपको सस्ता मिलेगा, और जो भी प्रॉमिस कर रहा है सस्ता, 28,000-30,000 रुपीज़ का जो भी बोल रहा है, दे आर ऑल फेक, दे आर ऑल स्कैम। ठीक है, तो मत फंसना उस चीज़ में, और ये टू गुड टू बी ट्रू चीज़ें सही नहीं होती है, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। अगर आपको ये 40-45,000 रुपीज़ तक का भी मिल रहा है, देन इट इज़ अ प्रिटी गुड डील इन इंडिया। बाकी द वीडियो क्वालिटी इज़ गुड। अभी मेरा एक लेटेस्ट हाइकिंग फिल्म आएगी मेरे दूसरे चैनल पे, हिमांशु शर्मा YT पे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। नीचे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ, और देखना, अगर आपको क्वालिटी पसंद आई तो आप इसको खरीद सकते हो। अगर मुझे कोई लिंक्स मिलते हैं इसको खरीदने के, अच्छे लिंक्स मिलते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप खरीद सकते हो। ये पिछली दिवाली के टाइम आई थिंक 31,000 रुपीज़ का हुआ था अमेज़ॉन पे, amazon.in पे, तो आप अमेज़ॉन पे विश्वास रख सकते हो, बट किसी और वेबसाइट पे प्लीज़ थोड़ा ध्यान से। ठीक है, और OLX पे से तो बहुत ही ज़्यादा बच के रहना। OLX पे बंदे से मिल के, वहाँ पे जाके उसको चला के यूज़ करके आपने तभी ख़रीदना, नहीं तो अगर आपको कोई बोलता है कि OLX से, हाँ ऑनलाइन पेमेंट कर दो, आधी पेमेंट कर दो, आधी पेमेंट आपके पास जब कूरियर पहुँच जाएगा तब कर देना, तो प्लीज़ उन स्कैम से दूर रहो। ठीक है, तो बस इतना इतना इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, अगर नहीं लगी तो ठीक है, ओके, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आती रहेगी भैया, अब सोच रहा हूँ मैं कि बना लूँ वीडियोस, बहुत हो गया। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, बाय बाय।